पोकेमोन सुप्रीम जर्नीज के आखिरी एपिसोड में लास्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। हमने आखिरी बार देखा था एस के लुकारियो के सेक्रीफाइस की वजह से दुनिया तो बच जाती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है कि भाई साहब वो जब भी लुकारियो को याद करता है वो बेहोश हो जाता है, बिकॉज लुकारियो की डेथ हो चुकी है। अब एक महीने बाद यार पोकेमोन सुप्रीम चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ है और काफ़ी कम ट्रेनर्स यार इस बार हिस्सा ले रहे हैं, तो यार जो भी हिस्सा लेंगे उनका चांस काफ़ी हाई होगा पोकेमोन मास्टर के और नज़दीक जाने का। तो इस बार ऐसे फैसला करता है नहीं मैं हिस्सा लेगा और इस चैंपियनशिप में इसको 6 पोकेमोन को चूज करना है और पूरी चैंपियनशिप में इसका उसी को यूज करना है। तो पहला पोकेमोन इसने जो चूज किया है वो है पिकाचू, सेकंड पोकेमोन है द बोंड ग्रीनिंजा, थर्ड है द लेजेंडरी इन्फर्नेप, एंड फोर्थ है द आइस ली ग्लेली, एंड फिफ्थ है द गुस्से वाला लाइकेंड्रोक, एंड लास्ट है चाइजार्ड जिसको इसने बोंड इवोल्यूशन सिखा लिया है। ये बात यार इसको बोलते ना ओपी बात। और हाँ, जो लेजेंडरी पोकेमोन का रूल था उसको कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज लेजेंडरी पोकेमोन के कारण ही दुनिया एंड होने वाली थी। तो अब हाँ, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है एंड एस चला जाता है सेमीफाइनल्स में, एंड सेमीफाइनल्स में चार ट्रेनर्स होते हैं। पहला होता है रेड, दूसरी होती है डायंथा, तीसरा होता है एस केचम, एंड फोर्थ होता है अपना पोल। यस, ये चारों ट्रेनर सेमीफाइनल्स में आ चुके हैं। तो यार दो पेयर में मुकाबला होगा, पहला होगा एस वर्सेस पोल का, दूसरा होगा रेड वर्सेस डायंथा का। तो इस तरीके से जो भी जीतेगा वो जाएगा फिनाले में। तो यार हमको मुकाबला दिखाया जाता है जहाँ पे रेड और डायंथा जो है मुकाबला कर रहे होते हैं, और रेड जो होता है अपने आर्टिकोनों के साथ में डायंथा किया जो गार्ड वायर है उसको हरा देता है। देन हमको सेकंड मुकाबला दिखाया जाता है, एस जो है पोल से मुकाबला कर रहा है। पोल सबसे पहले भेजता है अपने इलेक्ट्रावायर पोकेमोन को, जिसका सामना करने के लिए एस अपने पिकाचू को भेजता है, और यार इलेक्ट्रिसिटी वाला माहौल हो जाता है और ये मुकाबला इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि यार एस जो है जीमू का यूज करता है एंड इलेक्ट्रावायर जो है उसके कारण हार जाता है। देन जो है अपना पोल यूज करता है गार्चोम का, और गार्चोम का सामना करने के लिए पिकाचू ही है, लेकिन पिकाचू को काफी ज़्यादा वीक कर दिया था इलेक्ट्रावायर ने, दैट्स व्हाई पिकाचू यहाँ पे हार जाता है। देन एस एकदम ग्लेली को भेजता है, और ग्लेली जो है गार्चोम से मुकाबला कर रहा है, इसके पास एडवांटेज है, ग्लेली आईसी विंड का यूज करता है, लेकिन गार्चोम मेगा इवोल्व हो जाता है, और मेगा इवोल्यूशन के बाद में गार्चोम जो है एक काफी पावरफुल ड्रेको मेट्योर करता है, जिसके कारण ग्लेली जो है वहीं पे हार जाता है। देन इस किस्म जो है अपना लास्ट एंड फिनाले पोकेमोन यूज करता है जो कि है चारिजार्ड, और चारिजार्ड आते ही बॉन्ड इवोल्यूशन कर जाता है। बॉन्ड इवोल्यूशन ये एक अलग प्रकार का है, ये सबसे पहले मेगा इवोल्यूशन एक्स करता है चारिजार्ड को, देन वो यूज करता है बॉन्ड इवोल्यूशन का, एंड भाई साहब ये चारिजार्ड दिखने में काफी कूल लग रहा है, एंड ये आता है गार्चोम को फिनिश कर लेता है एक फायर ब्लास्ट में। देन पोल जो है आखिरी पोकेमोन भेजता है टोर्टेरा का, जिसको देखकर लोग चौंक जाते हैं बिकॉज इसको डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी पोल इसको भेज रहा है। पोल बोलता है कि मेरा स्टार्टर काफी पावरफुल बन चुका है। तो टोटेरा आता है, अर्थक्वेक करता है, लेकिन टाइगर फ्लाइंग टाइप है तो उड़ के चला जाता है, और पीछे से हमला करता है फायर ब्लास्ट का, लेकिन हमको देखने को मिलता है टोटेरा फायर टाइप अटैक से और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये अलग ही एबिलिटी है जो कि पोल ने इन्वेंट की है, और टोटेरा काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और टोटेरा यूज करता है फ्रीजी प्लांट का, जिसके कारण चाइजार्ड को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन चाइजार्ड बॉन्ड इवोल्यूशन में है तो एक किस्म बोलता है कोई बात नहीं, चाइजार्ड एक जाइंट सा बड़ा सा विंग अटैक यूज करो और टोटेरा को हरा दो। और यार अपना चाइजार्ड जब ये कर रहा था तभी इसको अचानक से यार मुकाबला देखते हुए लुकारियो की याद आती है, और एक किस्म वहीं पे फेंट हो जाता है क्योंकि ये बॉन्ड इवोल्यूशन है। और यार जैसे एक किस्म फेंट होता है चाइजार्ड भी फेंट हो जाता है, बिकॉज बॉन्ड इवोल्यूशन में दोनों ट्रेनर्स कनेक्टेड होते हैं, तो इस कारण से एक किस्म ये मुकाबला हार जाता है। तो चाइजार्ड काफी उदास होता है बिकॉज एस केचम कोलैप्स हो चुका है। तो चाइजार्ड इसके पास जाता है, पोल भी इसके पास आता है, पोल बोलता है एस केचम तुम आराम करो, और पोल चला जाता है फिनाले के अंदर। अब फिनाले मुकाबला आ चुका है, हमको दिखाया जाता है पोल जो है वो यूज कर रहा है फिनाले में इलेक्ट्रावायर पोकेमोन का, और रेड यूज कर रहा है जेबडोस पोकेमोन का। वापस इलेक्ट्रिसिटी वाला माहौल हो जाता है, और इस बार जेबडोस जो है जीत जाता है द पोकेमोन सुप्रीम चैंपियनशिप, यानी कि पोकेमोन मास्टर के एक कदम और करीब जो है रेड जा चुका है, परंतु एस केचम लुकारियो की याद के कारण कोलैप्स हो जाता है और वो हार जाता है, हमको पता है। तो यहीं पे हमारा सीजन फिनाले हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या एस केचम यार रेड को हरा पाएगा, पोकेमोन मास्टर क्या वो बन पाएगा, क्या वो और आगे जा पाएगा, वो असली में रियलिटी में कौन है असली पोकेमोन मास्टर, वो सब हमको पता चलेगा अगले सीजन में। अगला सीजन तभी आएगा, तभी इस वीडियो पे होंगे। 4K लाइक पूरा जोर से करना, तब तक के लिए बाय।